नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल जीटी ट्रेवल्स पर स्वागत है और आप सभी को फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी जल्दी दिवाली बीती है, उत्साह लोगों के बीच में अभी भी है, पटाखे छुड़ाने का। कल मैच भी है फाइनल वर्ल्ड कप का। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी भी अच्छे से दिवाली आपने मनाई होगी। और ऐसे ही आप लोगों के बीच में आया हूँ, थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंसेस, जो कुछ अनुभव हैं वो आप सभी के साथ बताने, शेयर करने, साझा करने। तो अभी जल्दी मैंने दोस्तों ट्रिप की थी टाटा टियागो से, लगभग 6,000 5,000 किलोमीटर के आसपास। और यहाँ से शुरुआत किया और फिर यहाँ से हम तेलंगाना होते हुए और महाराष्ट्र पहुँचे। और महाराष्ट्र में पहले पेंच टाइगर रिजर्व पड़ता है, नागपुर के पास में ही है, तो वहाँ पे पहले गए। काफ़ी अच्छा, वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं टीक के, और जंगल बहुत ही प्यारा है दोस्तों। वहाँ पर जंगल बहुत ही अच्छा है, सफारी आप कर सकते हैं। अगर दो चार लोग मिल जाए वहाँ पर तो उनके साथ मिल के भी आप सफारी कर सकते हैं, या फिर बस में बैठ सकते हैं। बस में 17-18 लोग होने चाहिए, तो वो पूरी बस चलाते हैं और अंदर पूरा जंगल के बीच में ले आते हैं। अगर आपको कुछ नहीं दिखेगा वहाँ ये शेर, या अगर लक है तो दिख भी सकता है, ऐसा नहीं है, बट अगर नहीं भी दिखा तो जंगल बहुत खूबसूरत है। तो वो सब अनुभव किया दोस्तों। ऑफ सीज़न का टाइम था और यहाँ से बिना कोई प्लानिंग के निकल गए थे, तो आगे बढ़ते चले गए। पता नहीं था कि अगले मोमेंट पे कहाँ जा रहे हैं, कहीं पे रिवर मिल रही है, कहीं पे कुछ मिल रहा है, कहीं पे पूरे फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट हैं। और जो बारिश में तो पूरा हमें लगता है वाटरफॉल बन जाते होंगे वहाँ, क्योंकि पूरी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर। तो वो सब देखने को मिला। काफ़ी सुंदर है मध्य प्रदेश, काफ़ी खूबसूरत, और खाने पीने की काफ़ी उम्दा चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पर। तो पहले हम पेंच पहुँचे, पेंच में घूमे, सफारी वफारी किए, शेर नहीं दिखा दोस्तों, लेकिन काफ़ी अच्छा अनुभव रहा जंगल का। और जब हम लौट रहे थे सफारी से वापस आते वक्त, तो एक जो वहाँ पर जंगली जो भैंसा होता है ना, उसने अटैक भी किया था, उसका एक वीडियो भी है मैं डाला हुआ है चैनल पर। तो वो सब एक्सपीरियंस हुए, वो सब अनुभव वहाँ पे हुए, थोड़े ख़तरनाक भी थे। और उसके बाद जो है आगे बढ़े, और फिर वहाँ से होते हुए महाकाल उज्जैन में दर्शन, और फिर पास में इंदौर होते हुए, इंदौर में खाने पीने की काफ़ी चीज़ें थी, पोहा और जलेबी और तरह तरह की नमकीन, मतलब वहाँ पे अवेलेबल थी खाने पीने की। तो वो सब था। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और फिर ओमकारेश्वर की तरफ पहुँचे, नर्मदापुरम में। तो दोस्तों, इतना खूबसूरत है मध्य प्रदेश। जैसे ही आप पेंच टाइगर रिजर्व क्रॉस करते हैं नागपुर, और बढ़ते हैं आप उज्जैन की तरफ, तो और उसके पास में ही पंचमणि पड़ता है थोड़ा दूर पे। तो पंचमणि जब आप जाते हैं उधर से, बीच में पूरी आपको चौरागढ़ की पहाड़ियाँ दिखेंगी, और सतपुड़ा रेंज के पूरे फॉरेस्ट आपको दिखेंगे चारों तरफ, और बहुत खूबसूरत है वहाँ पर। अगर लोग बताते हैं कि वहाँ पर प्रायः ये जो तेंदुए हैं या फिर चीता है, वो सब पाए जाते हैं, देखे जाते हैं वहाँ पर, नॉर्मल जनता भी देखती है अगर उधर से गुजर रही होती है। तो वो भी काफ़ी खूबसूरत है वहाँ पर। सतपुरा टाइगर रिजर्व है और बगल में ही पूरा वो रिवर फ्लो करती है, लोग आते हैं वहाँ पर। भीड़ भाड़ नहीं थी वहाँ पर, खाना वाना बना रहे थे, दो चार लोग पिकनिक टाइप से बनाने आए हुए थे। तो काफ़ी खूबसूरत और बिल्कुल अनोखा, एडवेंचरस था, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट पता नहीं है कहाँ पे जाना है और आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। तो यही उद्देश्य भी दोस्तों मेरा, कि यहाँ पर ऐसी जगहों पे जाया जाए थोड़ी, जहाँ पे एक्सप्लोर कम है और पहले से पता नहीं है कि क्या मिलने वाला है हमें, तो जो जर्नी है ना वो एक अलग टाइप की होगी। तो बट ट्रेवल से बहुत सीखता है आदमी, ऐसा मुझे लगता है। अभी एक पास में ही एक आंटी जी हैं, वो 75 ईयर्स की हैं, तो वो अराउंड 30 to 32 कंट्रीज़ वो अभी तक घूम चुकी हैं पूरा, और वो अभी भी घूमती रहती हैं इस एज में भी। तो मैंने उनसे एक दिन पूछा कि क्या लगता है आपको घूमकर कैसा फील होता है, तो उन्होंने बोला कि घूमने से मुझे और चीज़ों के बारे में सोचने का मौका नहीं मिलता, तो ये फ़ायदा होता है घूम के। तो मैंने कहा अच्छा, तो उनका एक बार इंटरव्यू डालना है चैनल पर, एक बार उनकी बातें आप सभी के बीच में पहुँचानी है। और एक बंदा मुझे मिला था, वो 65 साल का था, वो भी वो बाइक से ट्रिप करते हुए आ रहा था यूके से, बता रहा था हॉलैंड होते हुए ईरान, और फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया, फिर नीचे थाईलैंड होते हुए, फिर वो ऑस्ट्रेलिया में अपनी डॉक्टर से मिलने जा रहा था।
तो उसका मैंने एक इंट्रो डाला है, आप मोटिवेट हो जाओगे बिल्कुल तो देख कर सीरियसली। तो वो सब डाला, फिर वहाँ से घूमते हुए नर्मदा घाट भी इतने सुंदर वहाँ बने हुए हैं कि अलग ही मतलब आपको आनंद आएगा। एक तो पंचमणि बहुत अच्छी जगह है, पंचमणि में तो वो पूरे पांच जो है ना शिव भगवान के टेम्पल उधर पूरे बने हुए हैं। तो गुप्त महादेव है, फिर आपका जटाशंकर, फिर बड़े महादेव, और दो एक चौरागढ़ पे जो शिव भगवान है वो, और एक और वहाँ पे शिव भगवान का मंदिर है, पांच टोटल है। उसी के नाम पे भी शायद पंचमणि उसका नाम पड़ा है। तो वो भी बहुत खूबसूरत है और एमपी घूमने लायक है, महाराष्ट्र भी घूमने लायक है। और सड़कें काफ़ी अच्छी थी चारों तरफ, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत सड़कें बन रही थी अभी और कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है हाईवे पर, अदरवाइज तो सब कुछ सही था पूरा एंड टू एंड। तो वही दोस्तों, एक ऐसे ही आपके बीच में आया, काफ़ी टाइम हो गया था आए हुए, और मतलब बहुत ही अलग अनप्लान जर्नी करने से क्या मिलता है वो तो आप करके ही फील कर सकते हैं, तो करिए अगर। और आप सभी को फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग जीवन में आगे बढ़ें, हम ऐसे ही आपके सामने अलग अलग जो भी अनुभव हैं, जो अच्छे अनुभव हैं, जो थोड़े अलग टाइप के अनुभव हैं, वो सारे आपके बीच में हम पहुंचाना चाहते हैं, आपके बीच में शेयर करना चाहते हैं। तो आखिरी मेरे चैनल पे आपको कुछ ना कुछ हम इंटरटेनिंग और कुछ अच्छी अच्छी बातें दिखाते रहेंगे। और नया वर्ष भी आने वाला है, छुट्टियाँ दिवाली ख़त्म हुई है तो नया वर्ष भी आ जाएगा, क्रिसमस और ये सब का टाइम, छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी, फिर होली आ जाएगी। तो ऐसे ही फेस्टिवल्स मनाते रहिए और जो करते रहिए जो आपको करना है, जो आपको अच्छा लग रहा है, तो बस यही यही है लाइफ में और क्या है। तो थैंक यू अगेन, आते रहिए हमारे वीडियोज़ पर, देखते रहिए, कुछ आपको अच्छा ही हम दिखाएंगे। और थैंक यू वेरी मच, हमारे चैनल को आइए और लाइक और सब्सक्राइब भी करिए अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट।